ऑन शर्मा स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक और शेयर करें। जैसा मैंने कहा कि यह चैनल आप सभी का है, तो इसको जितना उसके प्रमोट करें ताकि ये नई ऊंचाइयों को छुए, सक्सेस को छुए, सफलता हासिल करें। इस चैनल में आप अच्छी अच्छी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक बेल आइकन मिलेगा, चैनल में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको आप जो घंटे का आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता है। आपका जितना प्यार और स्नेह मिला है, उम्मीद है ऐसे ही मिलता रहेगा। चलो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। बट आप लाइन बनाओगे, आप इसका इससे आपको पता है सोल्यूशन क्या बनेगा इसका। इसे देखिए आप, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। कहता है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट से, पॉइंट क्या है, माइनस का थ्री, तो यहाँ है, मान लो ये माइनस का थ्री है और ये वाई फोर है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आया माइनस थ्री और ये आया आपका फोर। इससे इससे डिस्टेंस बोला है इसने, इस पे डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है ये देखो आप, ये डिस्टेंस इस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से यहां तक, आप यहां पे यहां से यहां फोर दिख रहा है, कितना दिख रहा है बेटे, सही दिख रहा है, हाँ हाँ। तो ये ना फोर आएगा, आपको पता ही है कि ये डिस्टेंस क्या होगी, इसने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से बोला है, तो ये डिस्टेंस कितनी है यहां से, आपको पता है कि ये पॉइंट कितना आया, फोर आया, इसका आंसर क्या होगा, फोर, ठीक है, आगे समझ में, ये इसका आंसर है, ये सी और ए, ये आपका जीरो फोर था, ये जीरो जीरो और ये थ्री जीरो, जीरो जीरो है ना, जीरो जीरो और ये पैरामीटर बोल रहे हैं बेटे। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए और बी की डिस्टेंस निकाल लो, आप ए और बी की डिस्टेंस, ए और बी की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो माइनस जीरो, जीरो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस में एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस में एक्स वन, जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, फोर माइनस जीरो का स्क्वायर सिक्स, ठीक है, फोर माइनस जीरो का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा, ठीक है, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, फोर। तो आप ये डिस्टेंस कितनी आ गई, फोर। अब आप ये डिस्टेंस निकाल लो, तो थ्री माइनस जीरो थ्री और उसका स्क्वायर नाइन प्लस फोर माइनस जीरो या जीरो माइनस फोर सिक्सटीन आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो और इसका आ जाएगा ट्वेंटी फाइव, अंडर रूट करोगे कितना आया, फाइव, यानी ये जो डिस्टेंस है वो फाइव आ गई। अब बच गई ये वाली डिस्टेंस, थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन और प्लस में जीरो ही आएगा, ये थ्री आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने डिस्टेंस के लिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप ऑप्शन पिक कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में सोल्व करके देखोगे ना उसको डायरेक्ट। अब आप इसको क्या करना है, हमें पैरामीटर निकालना है, थ्री डिस्टेंस आ गई, क्या आया, फोर प्लस फाइव प्लस थ्री, तो पैरामीटर क्या होता है, थ्री साइड का डिस्टेंस का प्लस कितना हुआ, नाइन ट्वेल्व, कितना हुआ, ट्वेल्व, तो ट्वेल्व इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आगे समझ में कैसे करना था। बनाओ सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, आप देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आ गया आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब देखिए पॉइंट क्या है, फाइव और सिक्स, मान लो फाइव ये यहाँ पे एक्स और ये वाई सिक्स है यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगा आपका और ये ग्राफ बन गया आपका, यहाँ पे ये पॉइंट आया है आपका फाइव और सिक्स, जो आपने ए ले ली ये पॉइंट। अब इसने क्या पूछा है कि दिस पॉइंट से वाई एक्सिस पे ये वाले डिस्टेंस, अब ये यहां से यहां तक कितना है, आपको ही पता है ये यहां से यहां तक कितना चला है, फाइव चला है, तो ये डिस्टेंस तो फाइव है, और अगर ये यहां से यहां पूछे तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे पूछे तो सिक्स है,
और y एक्सिस पे पूछे तो 5 है, तो y एक्सिस पे पूछा है तो क्या आ जाएगा, इसका b ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटे, आ गया समझ में? अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्यूशन एक पैरेललोग्राम है बेटे, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो उसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इस अंदर को। इस टाइप से आप पैरेललोग्राम बनाओगे, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है ए डी सी डी। आप देखो कि यहाँ पे इसका डायगोनल ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ओ पे। बाइसेक्ट का मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, एक होगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इज, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर मतलब इनका जो मिड पॉइंट है वो एक जैसा होगा। तो आप क्या करो, एक ए क्या दिया हुआ था आपने, देखिए ए पॉइंट दिया हुआ था वन और टू, वन और टू लिखिए यहाँ पे। बी दिया हुआ है फोर और वाई, ये फोर और वाई आ गया। सी कितना दिया हुआ है, एक्स और सिक्स, सिक्स आ गया। और ये वन थ्री और सिक्स था, थ्री और सिक्स था। मिड पॉइंट निकालिए, किस किस का मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट डायगोनल है तो मिड पॉइंट ओ होगा। मिड पॉइंट ऑफ ए सी कितना है, एक्स वाला एक्स के साथ ऐड किए, एक्स वन प्लस में एक्स टू बाई टू। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है कि एक्स वन प्लस में एक्स टू बाई टू, फिर वाई वन प्लस में वाई टू, सिक्स प्लस में टू, वाई वाले दोनों ऐड कीजिए और टू से डिवाइड कर दीजिए, मिड का मतलब हाफ कर दें। तो ये आ गया, तो इसको सब सोल्व करोगे दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वन बाई टू और y वाला एट बाई टू फोर, ये आपका AC का मिड पॉइंट आ गया। अब आप क्या निकाल लोगे, मिड पॉइंट ऑफ BD, साफ दिख रहा है ना, मिड पॉइंट BD, BD ये वाला है। तो बेटा x वाला क्या है, इसमें थ्री और फोर है, उसको ऐड कीजिए, थ्री प्लस फोर बाई टू और वाई प्लस सिक्स, वाई प्लस सिक्स बाई टू। तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या आ जाएगा कि सेवन बाई टू और वाई प्लस सिक्स बाई। अब ये दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है, दोनों को आप क्या रख दोगे, इक्वल, इक्वल रखोगे। तो इक्वल रखिए आप, एक्स वाला और ये भी एक्स वाला, यहाँ से इसका एक्स वाला इस एक्स वाले के इक्वल आएगा, यानी एक्स प्लस वन बाय टू किसके इक्वल होगा, सेवन बाय टू के। तो इक्वल में है, फ्रैक्शन में दोनों सेम डिजिट हैं, कट हो जाएंगे। तो एक्स प्लस वन इक्वल सेवन, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके सिक्स, एक्स की वैल्यू सिक्स आ गई। अब देखिए सिक्स वाले ऑप्शन वन टू थ्री है, एक्स की सिक्स कहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए में। तो वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से पता लग जाएगा ये है। अगर वाई निकालना भी है तो आप वाई वाले को एक जैसा रखिए, ये वाला देखो चेक कर लेते हैं हम, वाई वाला यहाँ पे है, ये वाला और ये वाला, तो इसको रख के देखिए आप क्या आ जाएगा। यहाँ पे आप वाई वाला रखो, क्या आया, वाई प्लस सिक्स बाई टू इक्वल फोर। अब इक्वल में फोर बाय कुछ नहीं है, ठीक है, फोर है, तो ये इधर जाए क्रॉस हो जाएगा, वाई प्लस सिक्स वाई प्लस, देखना एक बार अपना सिक्स प्लस टू वाई, ये था ना, इसको चेक कर लो दोबारा, फोर प्लस ये सिक्स प्लस वाई, ये ठीक है, और सिक्स एक्स प्लस वन सिक्स प्लस टू,
ऑप्शन में गलत है कि यहाँ पे गलत है बेटा, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे 5 की बजाय फिर 6 की बजाय 5 है, तभी सेट नहीं बैठा। ठीक है, ये 5 है आएगा यहाँ पे, फिर 3 6 की जगह 5 आएगा, तभी ऑप्शन ठीक है। ये ओ यहाँ पे गलत दे रखा है। अब ये y प्लस 5 आ जाएगा ना यहाँ पे, अब सही है। ठीक है, ये y प्लस 5 था तो ये रॉन्ग दिया हुआ था ऑप्शन, तो यहाँ लिखिए आप y प्लस 5 और ये आ जाएगा 8, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 3। अब ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये पॉइंट गलत दे रखा था इन्होंने, तो ये ऑप्शन है। ऐसे कई बार हो जाता है, ऑप्शन भी गलत आ जाता है कई बार मिस्टेक से। इधर वाला साफ दिख रहा था आप लोगों को? ठीक है, आप समझ में आ गया? तो इसका जो कौन सा ऑप्शन होगा, हमने आप देखो कि सर्कल बनेगा इस टाइप से, ये सर्कल बन गया। ठीक है, सर्कल बन गया, डायामीटर आपको पता है कि सेंटर में से पास करेगा। ठीक है, और सेंटर डायामीटर को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी मिड पॉइंट होता है सेंटर। इसने बोला एक पॉइंट दिया है, मान लो वो पॉइंट ए है, वो दिया हुआ है इसने 2 और 3। ठीक है, फिर इसने बोला है कि इसका सेंटर दिया है, यानी इसका जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है -2 और 5। अब इसका जो अदर पॉइंट है वो निकालना है, वो हमने मान लिया एक्स और वाई। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालिए, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, आपका यहां से निकाल लोगे आप, 2 प्लस 2 प्लस x/2। देखो ये x का, ये x का जोड़ा और ये भी x का पॉइंट था, पहला आता है जो x का इसके इक्वल, तो 2 प्लस x इक्वल क्या आ जाएगा -4, 2 × -2 4, और ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -6, x -6 तो हो गई होगा। एक ऑप्शन आ गया। दूसरा देखिए, 3 प्लस y, y वाला ऐड कीजिए, y 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और y ये क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट में होता है ना, तो 3 प्लस y इक्वल कितना आ गया 10, y कितना आ जाएगा आप देखिए 7, तो -6 और 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए, ये आंसर आ जाएगा। आगे बैठे समझ में? क्वेश्चन इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। बना लो, ये बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये ए बी सी और डी, आप देखिए पहला दे रखा है -2 और 3, -2 और 3, सेकंड क्या दिया हुआ है 6 और 7, ये दे रखा है 8 और 3, ये आप एक्स और वाई मान लीजिए। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां लगाइए, क्योंकि जो इसके बाइसेक्ट क्या करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट एसी, एसी का मिड पॉइंट देखिए आप क्या है, माइनस का 2 है और ये 8 है, -2 प्लस 8, -2 प्लस 8/2, फिर 3 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये आया 6/2 3, और ये आया 6/2 3, 3 3 आ जाएगा दोनों, देखो 6 6, ये आपका एसी का आया। अब मिड पॉइंट किसका निकाल लो आप, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, उसका क्या आएगा बेटा, x+6/2 और y+7/2। अब आपको पता है कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट होते हैं, तो इसको इसके इक्वल रख दो और इसको इसके इक्वल रख दो, रखो आप इक्वल, क्या आ जाएगा यहां से देखो आप, x+6/2 इक्वल किसके आएगा 3 के, x+6 6 x इक्वल क्या आ जाएगा 0। पहला तो ये आ गया, दूसरा y वाला देखिए, y+7/2 इक्वल किसके होगा 3 के, तो y+7 6 y क्या आ गया 1, तो 0 1 ऑप्शन फर्स्ट है आपका।
क्या आ जाएगा? ऑप्शन 0 -1, सॉरी 7, हाँ, -1 -1 सेकेंड ऑप्शन आएगा, 7 माइनस हो जाएगा ना उधर जाके -1, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। देखिए बेटा क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें 3 वर्टिसेस है, ए ओ बी, ये 3 इसके वर्टिसेस हैं, ये डायग्राम में जैसे दे रखा है। तो कहता है कि हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो आपने क्या करना है, इसका जो मिड पॉइंट, ये क्या हाइपो, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो हाइपोटेनस यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट होगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो मान लिया हमने क्या है सी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है सी है, तो ये मिड पॉइंट होगा किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का क्या करना है, ये मिड पॉइंट है मान लो, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी जो पॉइंट लोगे वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी पॉइंट हमने ऐसा ड्रा करना है यहाँ पे, और वहां से हमने क्या करना है, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देना है, ठीक है। मिड पॉइंट निकालिए क्या होगा, एक्स एक्स वाले क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन निकालोगे आप इसका क्या आ जाएगा, 0 + 2x / 2 और y वाला 0 + 2y / 2, तो यहाँ पे देखिए 2x / 2 हो जाएगा, 2y / 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ गया 2x / 2 और 2y / 2, 2 से 2 कट हो गया, क्या बन गया xy, यानी जो c पॉइंट है, सी पॉइंट है वो क्या आ गया आपका, मिड पॉइंट जो आया वो एक्स वाई आ गया, सी पॉइंट आपका एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब ये एक्स वाई आ गया आपका इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल के देख लेना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये वाले डिस्टेंस निकाल के देख सकते हो इक्वल आएगी। पहले तो इसको मैं ऑप्शन देखो कौन सा पिक करना है आपने, एक्स वाई ए वाला ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन क्या होगा, किस आंसर होगा, ए ऑप्शन को टिक करोगे। अब हम देख लेते हैं कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है क्या, तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब सी आ गया, तो हमें निकालना है ए सी, ए सी की डिस्टेंस क्या होगी, ये सी एक्स वाई आया, क्या आया, ये हमारा एक्स वाई, तो 0 - x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2y - y ये आ जाएगा ए सी। ऐसे ही आप बी सी निकालिए, तो उसमें क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, और ओ सी निकालिए वो भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए आप सी क्या है, ए से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, बी से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, और ओ से भी इक्वी डिस्टेंस है, क्या होंगे, तीनों की इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस आती है वो भी एक जैसी आती है, ये भी एक जैसी है, तीनों तरफ से वर्टेक्स से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आइए मिड पॉइंट निकालना था, ये तो मैंने आपको मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस इस टाइप से है आपकी, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ओरिजिन यहाँ होगा। अब P पॉइंट क्या कहता है, -3, x का पॉइंट -3 यहाँ पे है और y 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा आपका, यहाँ पे ये वाला यहाँ बना आपका -3 और 5, तो फ्रॉम ओरिजन यानी ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये आपने ए पॉइंट मान लिया, ओ मान लिया, तो आपको ये निकालनी है फ्रॉम कहां से ओरिजन तक, -3 और 4 फोर है यहाँ पे, -3 और 4 ये 4 मान लिया, ठीक है, -3 और 4 की
ओरिजिन से क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो निकालिए, कैसे निकालोगे, एओ डिस्टेंस माइनस थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर और फोर माइनस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन पे तो दोनों पॉइंट जीरो जीरो ही होंगे, ओ पे दोनों पॉइंट जीरो जीरो ही होंगे। तो क्या आएगा, नाइन प्लस सिक्सटीन कितना आया, ट्वेंटी फाइव, कितना आया फाइव आया, कितना आ गया फाइव। तो जहां पे फाइव है वो इसको टिक कर दीजिए, फाइव कहाँ पे है, सी पे है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो ये आ जाएगी। आ गया बेटा समझ में क्वेश्चन, मेंशन मीन क्या होगा, यानी पी की वैल्यू क्या होगी, मीन तो दिया हुआ है मीन, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई करो आप, एफ आई एक्स आई, यहाँ पे आपको एक टेप क्या चाहिए, यहाँ पे एफ एक्स, एफ आई एक्स आई, ये एफ आई है और ये एक्स आई है मान लो, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई 18 40 90 88 और यार, अब इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए आपको, और ये भी एफ आई था, सिग्मा एफ आई चाहिए, ठीक है। इसका प्लस चाहिए, इसने वैसे दिया नहीं, इसको ऐड कीजिए आप, 6 14 29 37 31 प्लस पी, 31 प्लस पी, इसको ऐड कर दीजिए आप यहाँ से, 9 को भूल जाना, एक बार 9 को ऐड नहीं करना आपने, 13 और 10 23 13 और 10 23 7 8 7 और 8 15 7 8 15 15 15 और 5 20 2 3 ये आ गया आपका। ठीक है, ये अब आप देखिए कि जब मीन निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं, तो वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये मीन आपको 7.5 दिया हुआ है, इसको रख दिया इसके इक्वल, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 303 प्लस 9p अपॉन में 31 प्लस पी, कर दिया गया 29 41 आना था, 41 नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7.5 की मल्टीप्लाई 41 प्लस 7.5 की मल्टीप्लाई पी के साथ, और इधर आ जाएगा 303 प्लस 9p, ठीक है। सेवन पॉइंट फाइव की 41 से मल्टीप्लाई, थ्री हंड्रेड सेवन पॉइंट फाइव, ये आ जाएगा। अब आप इसको इधर ले आए और ये पी वाला इधर ले जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 307 में से 303 गया, 4.5 बच जाएगा, और इधर 9 में से 7.5 1.5 बचेगा। अब 1.5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 4.5 अपॉन में 1.5, जब कट करोगे कितना आ जाएगा, 3। तो P की वैल्यू क्या आ रही है, 3, ऑप्शन दिया हुआ था C, P टिक करो, C ऑप्शन 3 दिया हुआ था, ऐसे ऑप्शन लिखे हुए थे आपको यहाँ पे, A ऑप्शन लिखा हुआ था 2, B ऑप्शन 4 था, C ऑप्शन 3 था और D ऑप्शन 6 था, तो C पे टिक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, इस टाइप से इसको करना था क्वेश्चन।
ध्यान रखना क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? देखो मीन बोला है इसने, क्या बोला है? मीन 7 दिया, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। पिछले बार क्या था? डाटा दिया हुआ था, इस बार इसने सब कुछ सोल्व करके दिया हुआ है। 7 आ गया मीन, सिग्मा एफ आई एक्स आई इसने 4p प्लस में 63 दिया हुआ है, और एफ आई कितना दिया हुआ है? 17। क्रॉस कर दीजिए आप, 17 7 119, 4p प्लस 63, दिस इंप्लाइज 4p 63 119 में से माइनस हो जाएगा 63, 4p माइनस कर दीजिए इसमें से 6, 56 आ जाएगा, ठीक है? तो 4p इक्वल कितना है आपका? 56। पी कितना आ जाएगा? 56 अपॉन 4, 4 से कट हो जाएगा 14 आंसर, 14 वाला सी ऑप्शन टिक कीजिए आप। आगे समझ में? इस टाइप से क्वेश्चन होंगे आपको निकालना है, डायरेक्ट मीन निकालना बोल सकते हैं आपको। बेटा समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? ये ध्यान रखना, जिसके नहीं आए आंसर, मैं आज इस बार तो पूरा चेक करने वाला हूँ, नहीं आया ना उसका फिर बाद में बात करूंगा मैं, 1 तारीख को स्कूल खुलेंगे तब। होमवर्क है एक किस्म का वो तुम्हारा, वो भी तुम नहीं करते। मीन निकालना है, मीन निकालना है, सिंपल डाटा दिया हुआ है तो सिंपल डाटा को प्लस कर दीजिए, जितने भी डाटा दिए हुए हैं इनको प्लस कर दीजिए, और कितने नंबर ऑफ डाटा हैं? 1 2 3 4 5 6 7, उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड, ऐड कीजिए आप, 5 5 10 20, 2 carry 6 9 11 14 15 17 और 21 अपॉन में 7, कट कीजिए कितना आया? 30। 30 देखिए कहाँ है? डी में, टिक करो डी ऑप्शन इसका आंसर। ऐसे करना है, बताओ क्या डिफिकल्ट है? ये चैप्टर सबसे इजी है सर, इसको आपने डाला कि नहीं डाला पेपर में बोलो। देखो 4 भी 2 टाइम जाएगा, मैं 4 लेता हूँ तो फिर एक 4 और आ जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर तो 8 आ नहीं सकता। 6 भी तो 2 टाइम दिया है, अगर 6 हो गया तो फिर 6 आ गया, तो मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपीटिंग डिजिट कौन सा है? अब 8 है यहाँ पे 3 टाइम, अगर मैं 5 6 और 4 में से कोई यहाँ लिख देता हूँ तो वो तीनों ही 3 3 टाइम्स हो जाएंगे, फिर मोड नहीं पाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो सकता है? यहाँ 8, तो x की वैल्यू 8 होगी तभी मोड रिपीटिंग होगा वहां पे सबसे ज्यादा, क्योंकि इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन लेता हूं तो सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाती है, तो मोड क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8 हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम इसके अलावा कोई दूसरा नहीं ले सकते, ये रीजन है इसका। वाली देखिए आप, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है? ये वाला हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली, ये क्लास क्या होगी आपकी? मोडाल क्लास होगी, ये आपकी क्या होगी? मोडाल क्लास। ये ध्यान रखना कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली ही मोडाल क्लास होती है। तो इसने क्या बोला है? इसने बोला है मोडाल क्लास ऑफ द अबव डाटा अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब बड़ी। तो इसमें अपर लिमिट क्या है? ऐसे दिया हुआ है 150 और 175, तो ये तो लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो आंसर क्या आएगा? 175, ये अपर लिमिट होगी, 175 वाला टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है?